हेलो फ्रेंड्स, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। योयो हनी सिंह, पंजाबी गायक हनी सिंह को जान से मारने की धमकी। हनी सिंह हुए परेशान। हनी सिंह तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मिले, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर, और मीडिया से बातचीत की। बताया कि मुझे लगातार थ्रेट आ रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वह गैंग का नाम बोल्डी बरार है, जो लगातार इसने कई सिंगर और कई लोगों को मौत के घाट उतार रखा है। अब मुझे जान से मारने की धमकी आ रही है, जिस पर सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से की मुलाकात। ठीक है, हनी सिंह, क्या हुआ है, क्या धमकी मिली है? मेरे को सामने देखे, मेरे को मेरे स्टाफ को कॉल आई है, गोल्डी बराड के नाम से वो लोग बोल रहे हैं, और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और उसको इन्वेस्टिगेट कराए, तो कर रहे हैं हम भी। क्या क्या धमकी मिली है? बोला क्या फोन पे? क्या नहीं, उन्होंने अभी ज्यादा सरने बना करा अभी बताने को, क्योंकि इन्वेस्टिगेट होना है सब कुछ, तो दे सेड की मीडिया में कुछ भी नहीं। आप क्या कुछ पैसों पैसों की डिमांड की है या क्या? डिस्क्लोज एनीथिंग, मैं सब कुछ कंसल्ट करके आप सबको जल्दी कर रहे हुए। कब आया आपको? सारे सब कुछ एविडेंसेस दिए जो हमारे पास। हनी सिंह, आपको फिलहाल डर लग रहा है क्योंकि इससे पहले कुछ और सिंगर्स को भी ऐसे धमकी मिली है? मेरे साथ पहली बार हुआ है जिंदगी में, लोगों ने बहुत प्यार दिया हमेशा, और पहली बार ऐसा कोई थ्रेट आया और बहुत डरा हुआ हूँ। सब कॉल आया हनी आपके पास? कॉल एक सेकंड, क्या आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता, मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। आपने सिक्योरिटी के लिए पुलिस और प्रशासन से क्या डिमांड कर रहे हैं आप? मैंने बस ये कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए, प्रोटेक्शन। कब आया कॉल, कितने बजे? इंडियन नंबर से, विदेशी नंबर से? विदेशी नंबर से। वॉइस नोट भी आई है? कुछ वॉइस नोट्स आए और कॉल्स आए। क्या बोल रहे हैं, डिमांड कर रहा हूँ, बता नहीं पाऊंगा। आप सबसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, आपको जल्दी बताइए। ठीक है।